कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण अभियान प्रभावित हुआ है। वैक्सीनेशन बदस्तूर जारी रहे, इसके लिए महापौर ने पत्र लिखकर वैक्सीन खरीदी करने की अनुमति मांगी थी, किंतु मुख्यमंत्री ने मुंबई महानगर पालिका को तो अनुमति दे दी, लेकिन नागपुर महानगर पालिका को अनुमति देने में टालमटोल की जा रही है। इस तरह से नागपुर के साथ मुख्यमंत्री द्वारा सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप भाजपा के शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने लगाया है। उन्होंने कहा कि 6 मई को महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा भेजे गए पत्र को नगर रचना और स्वास्थ्य विभाग को भेजे जाने की जानकारी 7 मई को सीएम कार्यालय से ईमेल द्वारा दी गई। नहीं, मेरा कहना यह है कि माननीय हमारे महापौर दयाशंकर जी तिवारी ने 6 तारीख को एक प्रस्ताव भेजा माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ कि बा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो लसीकरण की मुहिम है उसमें हमें और तेजी लानी होगी, तो हम महानगर पालिका इस नाते हम भी उसमें मदद करना चाहते हैं, हमारा योगदान देना चाहते हैं और हमें वैक्सीन या लस खरीदी करने की परवानगी देनी चाहिए। हमारे माननीय महापौर जी ने 6 तारीख को पत्र दिया, 7 तारीख को उनको ईमेल से उसका उत्तर आया कि आपका पत्र हमें मिला है और हमने ये अर्बन मिनिस्ट्री को दिया है। उसके बाद मुंबई के लिए माननीय पर्यावरण मंत्री जी का एक ये आता है स्टेटमेंट, उसके बाद उनको परमिशन मिलती है, वो ग्लोबल टेंडर निकालते हैं, लेकिन आज तक नागपुर महानगर पालिका के प्रस्ताव को कोई हरी झंडी नहीं है। इसलिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि दुझाभाव ना करें, भेदभाव ना करें। जिस तर्ज पर उन्होंने मुंबई महानगर पालिका को परमिशन दी है, बृहन मुंबई महानगर पालिका को, उसी तर्ज पर राजधानी का शहर होने के कारण, नागपुर की परिस्थिति देखने के कारण, नागपुर महानगर पालिका के भी प्रस्ताव को हरी झंडी उन्हें दिखे देनी चाहिए और लस खरीदी की तुरंत परमिशन उन्हें देनी चाहिए। उन्हें कौन सा भी राजकारण इसमें करना नहीं चाहिए, इतनी ही मेरी उनसे विनती है। इसके बाद 9 मई को पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर मुंबई मनपा द्वारा वैक्सीन खरीदी किए जाने की जानकारी साझा की। इसके लिए ग्लोबल टेंडर निकाला गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।